नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शुरुआत कैसी हो रही आपको बता देते हैं। इस निफ्टी 14,347 के स्तरों पर हल्की सी बिकवाली के साथ ही ट्रेड करते हुए हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं यहां पर उतार चढ़ाव के बीच ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन संभालने की पूरी कोशिश। वहीं जापान के बाजार में बढ़त के साथ ट्रेड है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच सुस्ती की तरफ ज्यादा इशारा करते हुए। इस बीच अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, सीमित दायरे में हल्की गिरावट के बीच अमेरिकी बाजार में ट्रेड हमने देखा। डाउ में गिरावट रही, नैसडैक में भी गिरावट दिखी, लेकिन S&P लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे लेवल्स पर ट्रेड किया जा रहा है। अब इन संकेतों को कैसे समझना चाहिए, ग्लोबल मार्केट सेटअप क्या है और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है जिस पर हमें फोकस करना है, ये सब आपको बताते हैं। जुड़ते हैं हमारे साथ दीपांशु भंडारी, उनसे ग्लोबल मार्केट सेटअप समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सुस्त आप एक तरह से कह सकते हैं संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अब अपनी नई डायरेक्शन की खोज में हैं, इसलिए आपने कल देखा कि एकदम कंसोलिडेशन वाला एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में, और लगभग वैसा ही एक्शन बाकी ग्लोबल बाजारों में भी आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। अगर आप डाउ की बात करें तो सिर्फ 100 पॉइंट्स की ही रेंज में कारोबार हुआ, और वहां पर हमने देखा कि मामूली गिरावट 50-55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। ऑलमोस्ट सिमिलर ही संकेत आ रहे थे डाउ से जब 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हुए। इसके अलावा S&P 500 हालांकि एक बार फिर से नया रिकॉर्ड जरूर आपको लगते हुए दिखा, बट आप देखिए मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ, तो एकदम फ्लैट ट्रेड वहां पर भी, और नैसडैक पर भी कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुछ सेक्टर्स में फिर भी हमने खरीदारी देखी है, बैंक्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर स्टॉक्स में एक्शन दिखा। वहीं एनर्जी शेयर्स पर आपने दबाव देखा, बोइंग का शेयर भी 2% कल फिसला है। नतीजों का इंतजार है, कई सारे दिग्गज बैंक्स के नतीजे इस हफ्ते आ रहे हैं, साथ ही काफी सारा आर्थिक डेटा भी आएगा अमेरिका में। आज रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे, अनुमान है कि साल दर साल 2.5% की बढ़त होगी, और महीने दर महीने भी देखें तो 0.5% की बढ़त ही होगी, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हल्की सी बढ़त हुई है 2 बेसिस पॉइंट्स की, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं था। यूरोप के बाजार में भी सिमिलर ही एक्शन दिखा, एकदम सुस्त कारोबार होते हुए दिखा। यूके में कुछ कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, हालांकि इसका बाजार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखा है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट $63 के थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन था। सोने पर हल्का सा दबाव हमने देखा है, और डॉलर इंडेक्स भी ऊंचाई से थोड़ा सा फिसला है, पर कह सकते हैं कि लगभग सभी एसेट क्लासेस में कल का दिन एक कंसोलिडेशन वाला दिन था। ओके, तो चलिए ग्लोबल मार्केट सेटअप या एसेट क्लासेस की अगर बात करें, कंसोलिडेशन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच संस्थागत निवेशकों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है ये आपको बता देते हैं। कल कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की है 1,746 करोड़ की, वहीं DIIs भी कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं 233 करोड़ की। FIIs की तरफ से करीब 760 करोड़ की बिकवाली वायदा बाजार में आती हुई दिखी है, तो क्लियरली हम देख रहे हैं FIIs कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि DIIs 233 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम संकेतों को समझते हुए ग्लोबल मार्केट विदेशी बाजार का ट्रेंड क्या कह रहा है, FIIs DIIs के आंकड़ों को कैसे समझे, विस्तार से सब कुछ जानते हैं और आज की पहली रणनीति भी अब आपको बताते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों की तरफ से, जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से आपको गुड़ी पाड़वा, साथ ही नववर्ष, हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ट्रेडिंग सेशन समझाएं, स्ट्रेटेजी क्या होगी ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपको और पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल सुख और समृद्धि लेकर आए और आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। जहां तक बाजारों का सवाल है, सुस्ती वाला माहौल है, और जिस तरह की तेज गिरावट कल हुई है उसमें अगर हम सुस्त भी रह जाएं तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट मानकर चलना चाहिए। या एक और ग्लोबल मार्केट ठीक है, बुरे नहीं है, S&P हाइज पर हाइज बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर कल FIIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े फिर से आते हुए दिखे हैं कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी तेज गिरावट हुई है उतने बुरे आंकड़े हैं नहीं, तो काफी हद तक एक और जहां FIIs की बिकवाली हुई है, दूसरी ओर ट्रेडर्स की तरफ से अपनी तेजी की पोजीशन काफी हल्की होती दिखी है, और वायदा कारोबार में अब बाजार काफी हल्के नजर आ रहे हैं।
तो हो सकता है निचले स्तरों पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी करे। मेरा ये समझना है 14,225 ये दिन के लिए एक छोटा सपोर्ट है जो होल्ड होना चाहिए। आज मैं लेवल्स काफी छोटे ले रहा हूँ क्योंकि इस रेंज के बाहर निकलने पर बाजार में आपको बड़ा मूव आता दिखेगा। तो 14,225 ये आखिरी सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं और इसके नीचे फिर से तो फिर 14,000 तक की जगह खुलती है। ऊपरी स्तरों पर 14,375 14,450 हल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार निकलने के बाद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आने की संभावना बनेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 30,350 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर की तरफ 31,100 वो रेंज है जहाँ बैंक निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। एक बार 31,300 को पार निकलने के बाद 31,700 तक की अपसाइड बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो जिस तरह के संकेत हैं और जिस तरह के डेटा हैं उसको देखते हुए अगर सुस्त और कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तर से एक शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी आने की आज एक संभावना बन रही है मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो जो माहौल दिख रहा है सुस्त शुरुआत होने पर एक खरीदारी निचले लेवल्स पर आती हुई जरूर देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग रेंज अगर हम देखें 14,200 से 14,225 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 14,375 से 14,450 की आप मानकर चल सकते हैं। ठीक इसी तरह कल के सेशन में बैंक निफ्टी में जो ट्रेड हमने देखा था उसे ध्यान में रखते हुए पहली रणनीति आज बैंक निफ्टी के लिए 31,300 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चलें। वहीं 30,250 से 30,350 इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट के तौर पर। और ध्यान रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां हम देख रहे थे कि सभी सेक्टर्स अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आज भी सेक्टर्स में किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना काफी जरूरी होगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आते हैं ये भी जानना काफी जरूरी होगा। कुछ ही देर में आपको खबरों वाले शेयर्स भी हम बताएंगे। लेकिन कल दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, कैसे रहे ये नतीजे बताने के लिए अब हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं आईटी से जुड़ी कंपनियों के साथ नतीजों की शुरुआत तो हो चुकी है, टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे? बिल्कुल मानसी, टीसीएस के नंबर्स हल्के से अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। खासकर अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो हमारा जो अनुमान था वो 27% का था, उसके मुकाबले 26.8% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ओवरऑल कंपनी की जो डॉलर आय है वो हमारे अनुमान के हिसाब से आती हुई नजर आई थी, करीब 5% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे थे और ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर जो है कंपनी की डॉलर आय रिपोर्ट हुई है। पर जो प्रॉफिट है वहां पर काफी कमजोरी देखने को मिली है, अनुमान के मुकाबले 9,540 करोड़ का मुनाफा हमने अनुमान करके चला था, उसके मुकाबले कंपनी ने 9,250 करोड़ का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट घोषित किया है। साथ ही कंपनी ने 15 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें तो Q4 में इन्होंने $9.2 बिलियन की ऑर्डर बुक जो है अपनी शो की है और कंपनी ने नेट एडिशन जो एम्प्लॉयज के किए हैं वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर किए हैं, करीब 19,388 एम्प्लॉयज इन्होंने ऐड किए हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो खासकर वर्टिकल वाइज वहाँ पर BFSI सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी, करीब 7% की। पर दूसरी तरफ अगर आप ज्योग्राफीज की बात करें तो वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से करीब करीब 4% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट सिक्वेंशली सभी वर्टिकल्स ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। पर अगर आप बॉटम लाइन की बात करें तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न है कि जिस तरह का अनुमान हम करके चल रहे थे करीब करीब 9,500 करोड़ का, उसके मुकाबले 9,250 करोड़ का मुनाफा आना थोड़ा सा बॉटम लाइन पर दबाव आज बन सकता है उस वजह से। ओके कुशल शुक्रिया, ये नतीजे कैसे रहे हमें बताने के लिए। चलिए इन तमाम संकेतों को जानते हुए यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में टीसीएस के स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है, क्या कुछ होता है हम देखेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं। इंडिया ग्रिड का राइट्स इशू आज बंद होगा, इशू प्राइस 110 रुपये पर यूनिट था, आपको याद है 1,280 करोड़ रुपये का ये पूरा राइट्स इशू था और एंटाइटलमेंट रेशियो 1:5 का है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर रखिए नज़र, विनिवेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। स्काईमेट अपनी मॉनसून फोरकास्ट आने वाले मॉनसून के लिए पहली फोरकास्ट आएगी, हालांकि स्काईमेट प्राइवेट फोरकास्टर है, IMD की फोरकास्ट पर ज़्यादा नज़र रहती है, पर ये मार्केट सेंटिमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। दोपहर 12:30 बजे होने वाला है ये इवेंट। इसके अलावा
हिंदुस्तान कॉपर QIP इनका हो चुका है 119.6 पर शेयर का। इन्होंने फाइनल QIP इशू प्राइस तय किया है। आपको याद होगा 125 126 का जो फ्लोर प्राइस था उसके भी हिसाब से देखें, ऑलरेडी इनका फ्लोर प्राइस उस दिन की क्लोजिंग से 15% के डिस्काउंट का था और उसके बाद देखें तो फ्लोर प्राइस से ये 5% के डिस्काउंट पर फाइनल इशू प्राइस आया है QIP का। कुछ और Q4 अपडेट्स आए हैं और बंधन बैंक की तरफ से दमदार Q4 अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में अगर आप देखें तो 21% सालाना तौर पर मोर इम्पॉर्टेंटली तिमाही दर तिमाही 8% की आपने बढ़त देखी है। टोटल डिपॉजिट्स 10% बढ़कर आए हैं। कासा डिपॉजिट्स में बढ़त हुई है। रिटेल का कुल हिस्सा 78% के आसपास है। 79% YOY था, 81% QOQ था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी, यानी कि जो लोन्स दिए गए हैं कितने रिटर्न होकर आ रहे हैं। 96% की कलेक्शन एफिशिएंसी इन्होंने जताई है, जो कि काफी मजबूत आंकड़ा है। सैटन क्रेडिट केयर की तरफ से देखें तो इनका भी Q4 बिजनेस अपडेट अच्छा रहा है। तिमाही दर तिमाही 5.5% की बढ़त रही है। FY21 में 4,312 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो 105% की रही है, यानी कि कुछ प्रीवियस लोन्स जो ड्यू थे वो भी रीपे कर दिए गए हैं। L&T फाइनेंस पर नजर रखिए क्योंकि उन्होंने अपनी कई सब्सिडरीज के साथ विलय या फिर मर्जर को मंजूरी दे दी है। L&T इंफ्रा फाइनेंस और L&T हाउसिंग फाइनेंस का मर्जर L&T फाइनेंस के साथ होगा। इंडियन होटल्स, खबरों के मुताबिक टाटा सन्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना कर रहे हैं और इसके जरिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी होगा। 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकता है हिस्सेदारी खरीद के जरिए और इनका प्रमोटर हिस्सा मौजूदा 38% से बढ़कर 45% तक आ सकता है। और स्ट्राइड्स फार्मा, यहां पर भी नजर रहेगी। HDFC म्यूचुअल फंड ने 7 लाख शेयर्स 850 रुपए पर शेयर के भाव में बेचे हैं। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 15 लाख शेयर्स 850 के भाव पर खरीदे हैं, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो भरपूर खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी और साथ ही रिजल्ट सीजन जैसे जैसे धीरे शुरू हो रहा है वहां पर भी एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने कौन सी दमदार ऑप्शन की रणनीति बताई है, आपको ये बताते हैं। naukri.com, तो ये जो कंपनी है इसका 4800 सीरीज की कॉल आप अप्रैल सीरीज की ले सकते हैं 193 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 150 रुपए और आपका टारगेट रहेगा 260। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो थोड़ा पुट का है, यानी कि बिकवाली वाली बात है। तो यहाँ पे आप ONGC के अंदर 98 रुपए का पुट है, जो 3.45 रुपए पे लास्ट कोट हुआ है, आप खरीदें। 2.60 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका रहेगा 5.5 रुपए। ठीक है, तो चलिए दो ऑप्शंस की कॉल हैं और दोनों खरीदारी की तरफ। नौकरी यानी कि इन्फो एज अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4,800 की कॉल खरीदने की राय, 260 का एक टारगेट मानकर चले, 150 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। वहीं ONGC अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 98 की पुट खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से, 5.50 रुपए के टारगेट को मानकर चले, 2.60 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो नौकरी और ONGC दोनों पर ऑप्शन के तौर पर नजर रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से कॉल आई हैं, वहीं चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी कॉल आई हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग MGL और थायरोकेयर दोनों पर कॉल दे रहे हैं। MGL पर बिकवाली की राय है। महानगर गैस लिमिटेड 1050 के लक्ष्य यहां पर आप देख सकते हैं, 1095 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर बिकवाली की जा सकती है। वहीं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर सेंट्रम ब्रोकिंग बुलिश है, पॉजिटिव नजरिया अपनाते हुए खरीदारी की राय दे रहे हैं। खरीदारी अगर कर रहे हैं 1100 के लक्ष्य को मानकर चले, 1030 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग की राय तमिलनाडु पेट्रो पर है, खरीदारी कैश मार्केट में करने की, 60 के लक्ष्य को मानकर चले, 5252 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो MGL, थायरोकेयर और तमिलनाडु पेट्रो तीन शेयर्स यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर आपके लिए। आगे बढ़ते और अब हमारे साथ kiranjadav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज उनके रिकमेंडेशन क्या है और इंडेक्स पर उनका नजरिया क्या है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक ट्रंकेटेड वीक, कल भारतीय बाजार में छुट्टी है, फिर आज के लिए ट्रेडिंग सेशन आपको कैसा लग रहा है, इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी, सबसे पहले तो आप सभी आपको जी बिजनेस के सारे टीम को और दर्शकों को हिंदू इसकी नए साल की शुभकामनाएं। आज का अगर मार्केट हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ थोड़ा जी,
अब आज अगर हम मार्केट देखते हैं तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। निफ्टी की अगर बात करें तो 14,250 से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि मैंने कल हमारे शो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। जब तक हम 14,250 के ऊपर रहेंगे तो मैं मानता हूं कि हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा निफ्टी में, और ऊपर की तरफ 14,450 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो ये दोनों लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो 30,500 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अहम लेवल होगा। उसके ऊपर अगर हम रहते हैं तो एक बार हम 31,000 को भी टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। तो इन लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे चार्ट के ऊपर देख के लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। ठीक है, क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आज रखना चाहिए। आशीष जी, फिर आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो आप सुझाने वाले हैं? मानसी जी, एक बाय का कॉल है और एक सेल कॉल है। पहले बाय का कॉल बताता हूँ और जो रेट मैं बताऊंगा वो कैश वाले रेट होंगे। हिंदुस्तान पेट्रो कल का क्लोज करीबन 226 रुपए के आसपास है, खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा 223 रुपए का, पहला लक्ष्य रहेगा 232 का। बिकवाली करने का जो स्टॉक है वो है हीरो मोटो। हम जो फोर व्हीलर टू व्हीलर ऑटो सेक्टर जो स्टॉक है उसमें थोड़ी बिकवाली हावी होती है, हम आज भी देख सकते हैं, तो इसलिए हीरो मोटो में बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2815 का और लक्ष्य रहेगा 2740। बिल्कुल आशीष जी, सेक्टर्स पर भी आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। कल के कारोबारी सत्र में फाइनेंशियल सर्विसेज निजी बैंक क्षेत्र में भारी बिकवाली देखी, इनफैक्ट तमाम सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव था, लेकिन इन लेवल्स को देखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक आपका आउटलुक क्या है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कल जो परफॉर्म कर रहा था वो था फार्मा, तो मैं मानता हूँ आज फार्मा में भी थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कल का जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकता है, और कुछ गिने चुने स्टॉक्स जो बैंकिंग में से होंगे उनमें थोड़ी खरीदारी आ सकती है, ऐसा मुझे चार्ट की तरफ देख के लग रहा है। उसमें से अगर हम एक स्टॉक देखते हैं एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में मैं मानता हूं कि कल एक गैप डाउन के साथ खुला था, बैंकिंग में बहुत सारा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन एक्सिस बैंक में एंड में थोड़ा सा रिकवरी आता हुआ देखा, जो आज थोड़ा कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बैंकिंग में से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स रहेंगे वो, और फार्मा सेक्टर में मानता हूं अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट समझ लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल, त्योहार के ठीक पहले गोल्ड सिल्वर में आपका नजरिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। अगर हम सोने की बात करें तो सोमवार से ही हमने देखा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा गिरावट भरा टाइम आ चुका है। जिस ढंग से पिछले हफ्ते हमने डॉलर में गिरावट देखी थी, जिसके चलते सोना $1,750 रिगेन कर गया था, बट हमने देखा कि संडे को जो यूएस से अपडेट आया था कि इन्फ्लेशन 2% के ऊपर होनी चाहिए, जिसके बाद थोड़ा सा एक सेंटिमेंट खराब हुआ डॉलर इंडेक्स में और यूएस ट्रेजरी में भी जंप आया। तो आई थिंक जब तक 1750 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, आई थिंक गिरावट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला हुआ है, बट आई थिंक अगले 2-3 सेशन मार्केट साइड टू नेगेटिव रहेगा जब तक 47,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं तोड़े। तो आज के लिए 46,550 पे बेचना है, 46,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है ओवरऑल 4,100 तक गोल्ड का लेवल गोल्ड में मिलना चाहिए। वहीं चांदी में भी दबाव रहेगा जो 65,700 तक का लेवल दिखा सकती है। ठीक है, तो बिकवाली की रणनीति गोल्ड सिल्वर में फिलहाल आती हुई, लेकिन अजय जी कच्चे तेल की चाल को कैसे समझा जाए? हल्की बढ़त के साथ $63 के ऊपर ट्रेड हम देख चुके हैं, इन लेवल्स को देखते हुए अब आगे क्या आउटलुक है, कहां से बिकवाली आती हुई दिखेगी? देखिए मानसी, मुझे लगता है कि क्रूड की अगर बात करें, नो डाउट यूके से थोड़ा कुछ पॉजिटिव अपडेट आ रहा है कोरोना को लेकर, बट जिस ढंग से कल चाइना जापान से भी हमने देखा है कि काफी बड़ा एक क्लस्टर पॉजिटिव आया, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, और साथ में कल थोड़ा जो जंप आया था वो मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ अपडेट आया था कि सऊदी के कुछ फैसिलिटीज पे अटैक हुआ था, जिसके चलते तेजी आई। अदरवाइज जो डिमांड कंसर्न है वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है, तो आई थिंक जो भी जंप आया उसको बेचना ही चाहिए। तो आज के लिए 4,520 पे बेच के चलिए, 4,580 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में 4,420 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं, और 4,400 का लेवल तोड़ता है तो बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट थोड़ा स्टेबल रहे, बट सेल ऑन रैली क्रूड में रहना चाहिए।
बिल्कुल अजय जी, अब बेस मेटल्स में अगर एल्यूमिनियम को छोड़ दें, इसके अलावा बिकवाली का दबाव तमाम मेटल्स में देखने को मिल रहा है, बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर आपका आउटलुक? मुझे लगता है पूरे बेस मेटल के अंदर जैसे हम देखते हैं इकोनॉमी रिवाइवल होती है तो बेस मेटल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और चाइना हमने देखा कंटिन्यू बाइंग भी कर रही थी काफी टाइम से, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव तो पॉजिटिव, बट जिस दिन से थोड़े कंसर्न बने हुए कोरोना को लेकर और जो डेटा पॉइंट आए हैं उसको लेकर, तो आई थिंक एक टेम्पररी मार्केट में एक फॉल बैक रहेगा। कॉपर और निकल ये दो कमोडिटी रहेगी जहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूंगा एज ऑफ नाउ। तो कॉपर में मुझे लगता है कल की तरह 690 के करीब या 689 के करीब मिलता है तो बीजिए 680 का टारगेट रहेगा। निकल में हमने एक शार्प जंप भी देखा था जो 1250-60 तक का लेवल दिखा दिया था, एज ऑफ नाउ मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो आई थिंक 1225 के करीब बेच के चलिए 1190-95 तक का लेवल मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट हो गया, लेकिन चलिए अब वक्त है FIR यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट आपको बताने का। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं अभी हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए नतीजों की शुरुआत हो चुकी है और अब ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी। सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं TCS से, नतीजे काफी अच्छे आए थे, हालांकि जो मुनाफा था वो अनुमान से कम था। इसके बाद सबसे ज्यादा बुलिश है क्रेडिट स्विस, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 3750 के टारगेट्स दिए। इनका कहना है कि जो साल का अंत है वो काफी मजबूत रहा और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो आउटलुक है वो भी काफी पॉजिटिव है। मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 3640 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं सिटी ने अपना नेगेटिव आउटलुक बरकरार रखा है, बिकवाली की राय इनकी अभी भी जारी है पर लक्ष्य बढ़ाए हैं, 2870 से लक्ष्य बढ़ा के 2935 के कर दिए हैं। अभी भी इनको इंफोसिस TCS के मुकाबले ज्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि इन्होंने TCS के फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के EPS अनुमान में 2% की बढ़त जरूर की है। इसके अलावा नजर रखिए डॉक्टर रेड्डीज पे, फाइनली स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, किसी ने भी लक्ष्य में बदलाव नहीं किया है पर सबका मानना है कि अभी भी ढेर सारी जानकारी मिलना बाकी है और ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्जिन्स और वॉल्यूम्स और प्राइस के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इस पे मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग देते हुए 4900 के करीब के टारगेट्स दिए हैं, जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4850 के टारगेट्स दिए हैं। इनका मानना है कि अभी इंपोर्ट को लेकर, प्राइसिंग को लेकर काफी सारी डिटेल्स हैं जो कि आना बाकी है। वहीं सिटी का मानना है कि जो इनका इबिटा है उसमें $200 मिलियन की इनके पास अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के इनके जो प्राइस वैल्यू शेयर प्राइस है उसमें 67 रुपीज की बढ़त हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और सबसे ज्यादा यानी 5400 के टारगेट से। जी बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।